हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। आशा करता हूँ आप सभी घर पर अपने अच्छे से स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। और आज बात होगी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। तो जैसा कि आपको पता है, हम हमेशा जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं सभी एग्जाम के लिए। क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, सफलता के लिए अभ्यर्थी प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। तो आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, ये आपकी प्रैक्टिस भी है और देखें आपको कितना आता है, कितने आप तैयार हो। और बाकी अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपने इसको याद कर लेना है। तो साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। तो व्यक्तित्व मापन की साक्षात्कार विधि के संबंध में यह कथन किसका है? चार ऑप्शन है, गैरेट का है, वुडवर्थ का है, हॉडसन का है, पोलेंसकी का है। तो सोचकर जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर दो, क्योंकि आंसर करने के लिए मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि जो हमसे गलत होता है वो हमें हमेशा याद रहता है। गलत करोगे तो हमेशा याद रहेगा, और दोबारा जब आपके सामने ये सवाल आएगा तो आप उसको बिना रिवीजन के भी ठीक कर पाओगे, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने देखा होगा ना, मान लो आप किसी गली से जा रहे हो और वहां पर आपको ठोकर लग गई, वो ठोकर आपको पूरी जिंदगी याद रहती है, ठीक है ना। अगर आप आराम से निकल जाते तो हो सकता आपको वो चीज़ याद ना रहे। तो आप ये मत सोचो कि गलत हो जाएगा, होने दो, अटेम्प्ट जरूर करो। चलिए, तो अगला इसका जवाब बी है आपका, वुडवर्ड। तो अगला सवाल मैं देखता हूँ इसमें, और नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया? तो चार ऑप्शन है, और एडलर ने, आईजेंक ने, विलियम जेम्स ने और कैटल ने। तो सोचकर बताइए क्या जवाब हो सकता है इसका। तीन चार ऑप्शन है, तो इसका जवाब आपका सी है। तो आपको पूरा टाइम दिया जा रहा है करने के लिए, तुरंत ए बी सी डी करके या 1 2 3 4 करके आप इसको बताते जाओ। और बाकी हमारे एस्टेट एग्जाम के लिए पीजीटी, बायोलॉजी या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनके स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम भी चले हुए हैं। तो आगे देखते हैं, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है, साधारण सा है। तो इसका जवाब क्या हो सकता है, मैं वेट कर रहा हूँ, आप मुझे जवाब जरूर दो, अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करो। ये तो अपने मन में तो सोचो एक बार एटलीस्ट, ठीक है, कि क्या होगा। तो इसका है आपका सी, जीन पियाजे, ठीक है, सी जवाब है, जीन पियाजे। खिलौनों की आयु कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या इनमें से सभी। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आपने देखकर बताना है क्या जवाब हो सकता है। तो इसका जवाब है आपका ए, पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहते हैं। तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहते हैं। तो किसने कहा है? रोस ने, कॉल एवं ब्रूस ने, एना फ्राइड ने, क्रो एंड क्रो ने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जवाब आप सोचिए, इतने मैं बता देता हूँ। एस्टेट फिजिक्स के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल और वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो इसका जवाब है आपका ए, रोस, रोस जवाब आएगा। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था भी कहा जाता है। तो समूह अवस्था एवं चुस्ती की अवस्था किसे कहते हैं? शैशव, बाल्य, प्रौढ़ और किशोर। तो बिल्कुल सोचकर आपने जवाब देना है, और जवाब जरूर देना है, क्यों देना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका जवाब है आपका बाल्यावस्था। तो गलत होने के डर से आपने ये नहीं करना कि आपने नहीं देना, आपने देना है। बाल्यावस्था के में विकास को छदम परिपक्वता का समय किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट है आपकी, और किसने कहा है ये छदम परिपक्वता का समय? तो चार ऑप्शन है, बताइए सोचकर, ठीक है। तो जैसे कि आप साइड में यहाँ देख भी पा रहे हो, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो इसका जवाब आएगा आपका ए जवाब है, रोस का, ठीक है। जिस जिसका सही आ रहा है तो आप मानिए कि आपका तो इस बार एस्टेट होने जा रहा है, यानी कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। और जो लोग जवाब नहीं ठीक कर पा रहे हैं उनको याद कर लीजिए, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है किस आयु में? 6 मंथ की आयु में, या 12 महीने की आयु में, या आपकी 18 महीने की आयु में, या 24 महीने की आयु में। इसका जवाब है आपका ए, 6 महीने की, 6 मंथ की आयु में ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। चलिए, तो आगे देखते हैं, 2 वर्ष की आयु तक बालक के शब्द भंडार में कितने शब्दों तक की वृद्धि हो जाती है? सोच के बताओ, आपको टाइम दिया जा रहा है 30 सेकेंड का, आराम से आप सोचिए। तो इतने में बता देता हूँ कि एस्टेट इंग्लिश लिटरेचर के लिए भी आपका ऑनलाइन लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम अवेलेबल हैं। तो हाँ, तो आप देख लीजिएगा। अब इसका जवाब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 100 शब्द, ठीक है, 100 शब्द हैं इसका जवाब, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है।
एक नवजात शिशु का कद ऊंचाई कितना होता है? जो नवजात शिशु है उसका जो कद माना जाता है कितने इंच का होता है? 19 इंच, 20 इंच, 12 इंच, 22 इंच। तो जवाब जरूर 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 दीजिए, ठीक है, आपके फायदे की बात है, गलत हो रहा होने दो, तो गलत करोगे तो याद रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका 20 इंच। तो अगर सही हो जाए तो सबसे अच्छा है, फिर तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, वेरी गुड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कहलाता है, यह कथन किसका है? तो चार ऑप्शन है और मैं इसमें आपको जवाब नहीं बताने वाला हूँ, इसको आपने बताना है, जेम्स ड्रेवर, वुड्सवर्थ, बी एन झा या रूथ बेनेडिक्ट का। देखो अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है फिर तो देखते ही आपको जवाब आ जाएगा और उस पर आप टिक कर दोगे, ठीक है। चलिए, सोशोलॉजी के लिए भी आपको पीजीटी के लिए नोट्स अवेलेबल है, तो ये आपका है बी एन झा, इसका सी जवाब है बी एन झा। जिन जिनका सी जवाब आ गया है तो वो खुश हो जाइए, अगला है आपका नेक्स्ट, और जिनसे नहीं हुआ है वो उसको याद कर लीजिए। उच्च बौद्धिक योग्यताएं वंशानुक्रम का परिणाम है, सर्वप्रथम उपरोक्त तथ्य की पुष्टि किस मनोवैज्ञानिक ने की है? तो चार है आपका ये डार्विन, गाल्टन, शेल्डन और वाटसन, तो चार ऑप्शन है, तो इसमें जो है आप इसका जवाब ढूंढो, इतने मैं बता देता हूँ। एस्टेट में आपके पीआरटी वगैरह के भी प्रोग्राम हमारे सारे अवेलेबल हैं, तो इसमें जो जवाब आएगा आपका बी आएगा, गाल्टन, गाल्टन जो है इसका जवाब है, याद कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं, वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? वातावरण वुडवर्थ का है, रोज का है, जिम्बर्ट का है, जिसबर्ट का, एनास्ट्री का है। तो एनवायरमेंट पे है आपका, जो आपका हमारे आसपास का माहौल होता है, तो इसका जवाब आपका रोज, रोज जवाब है बी, तो आपको आता ही होगा मेरे ख्याल से, सभी को आता होगा। अगला है आपका असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है, यह कथन है किसका? असमायोजन, तो बोरिंग का, लैंगफील्ड का, गेट्स एवं अन्य का या ड्राइवर का। तो चार ऑप्शन है, तो आप मुझे बिल्कुल सोचकर ही बताना इसका जवाब क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सोच के बताओ, इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ देता हूँ कि आप इसका क्या जवाब देना चाहते हो, ठीक है। तो इसका जवाब मुझे चाहिए, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, और बाकी कमेंट बॉक्स में मैं इसका जवाब आपको दे दूंगा। एक और सवाल है आपका, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसका है? चार ऑप्शन है, तो सीखना विकास की प्रक्रिया है तो बहुत आसान है, ठीक है, तो लर्निंग के ऊपर है आपका, तो ये जवाब ये है आपका वुडवर्थ का, ठीक है। तो इसे आप करते रहिए, ये सिलसिला हमारा जो है अभी चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। हम जो है थोड़े समय अंतराल के बाद फिर से आपसे मिलने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्जाम तो डेट क्लियर हो चुकी है, 26 दिसंबर जो है ना, दिसंबर के लास्ट वीक में आपके एग्जाम होने हैं, तो आप जो है हमारे ऑनलाइन लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड भी हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो भी आपको हेल्प चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे जिससे कि आपका एस्टेट क्लियर हो जाए, ठीक है। और कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा पेपर होता है ये, थोड़ा सा अगर प्लान वे में हम सही से तैयारी कर लें तो यूं ही निकल जाता है, ठीक है, तो पता ही नहीं चलता कैसे निकल गया, ठीक है। तो चलिए, बाकी कुछ डिटेल आप जानना चाहो तो हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट भी है kushmanda.com और हमारे फ़ोन नंबर्स भी दिए हुए हैं, तो आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है। और चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से, थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू कुशमांडा एजुकेशन, टाइम टू थिंक अबाउट सक्सेस, यू कैन ज्वाइन अस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज नाउ, ऑल कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, यू कैन ऑल्सो बिकम एन IAS ऑफिसर, HCS टॉपर and Naib Tahsildar, you can also crack HTET exam, SSC, Banking, NDA, HSC, UPPCS, Punjab PCS, HBAS, you can also crack all the exam with our guidance, our study material and all type of our help. Our helpline numbers are 860-7570-992, 9728926678। हमारा ईमेल है kushmandaeducation@gmail.com, वेबसाइट www.kushmanda.com, जहां पर आप हमारी टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी सारी डिटेल पता कर सकते हैं। हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, सो कॉल अस नाउ।
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा IAS HCS एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती